डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बी अटेंटिव। आज थोड़ा सेशन शुरू होने में लेट हो गया क्योंकि मेरी टीम्स का थोड़ा मसला आ रहा था। एनी हो, उसको मैं रिजॉल्व कर लिया। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने, आपको याद होगा कि एक तो असाइनमेंट जो थी वो देखी थी हमने, असाइनमेंट बनानी थी, आप लोगों ने सबमिट करवानी थी असाइनमेंट। तो जिसमें काफी सारे बच्चे ऑनलाइन सेशन ले रहे हैं, तो असाइनमेंट नंबर 7 थी जिसमें आप लोगों ने ये जमा करवाना था कि 5 पेजेस की एक आपने वेबसाइट बनानी थी जिसमें राउट्स डिफाइन करने थे और लेआउट्स के अंदर रहते हुए काम करना था और यूज केस का मॉडल आपने स्टडी करना था और उसके बाद उसके अंदर लिंक्स वगैरह यूज करने थे और असाइनमेंट नंबर 7 की प्रैक्टिस करनी थी, बूटस्ट्रैप ऐड करना था। और मैंने आपको कहा था कि कुछ हुक्स जो हैं जैसे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट और कंज्यूम कॉन्टेक्स्ट और यूज़र रेफरेंस हुक्स, इनको स्टडी करके लाना था। तो कितने लोगों ने इस पे काम किया है? क्रिएट कॉन्टेक्स्ट और कंज्यूम कॉन्टेक्स्ट के बारे में कोई बता सकता है आप में से? जी अच्छा, हुक्स को मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। थ्योरेटिकल हुक्स को स्टडी करने के लिए मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट किस्म की ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं। लाइक अगर आप W3 स्कूल्स में देखें, वहाँ पे भी हुक्स का एक डिटेल में डिटेल मौजूद है। और दूसरा, आप रिएक्ट की वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर भी हुक्स के बारे में डिटेल में इंट्रोडक्शन मौजूद है कि हुक्स क्या काम करती हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंट किस्म के हुक्स देखे थे जिसमें हमने एक यूज इफेक्ट का हुक का इस्तेमाल किया था। मैंने आपको बताया था कि यूज इफेक्ट्स में बेसिकली दो किस्म के इनपुट पैरामीटर्स होते हैं। आप में से किसी बच्चे का माइक ओपन है, उसको जरा क्लोज कर लें। किसी का माइक ओपन है वो जरा बंद कर लें अपना माइक। पुरैन, आपका माइक ओपन था, मैंने बंद कर दिया। तो काइंडली जब ज्वाइन करें तो माइक अपना ऑफ कर किया करें। तो यहाँ पे हम रिवाइज कर रहे हैं हुक्स। हुक्स क्या होती हैं? हुक्स के बारे में थोड़ा सा दोबारा मैं बता देता हूँ। हुक्स जो है वो बेसिकली फंक्शन कंपोनेंट्स अलाउ करते हैं टू हैव एक्सेस टू स्टेट एंड अदर रिएक्ट फीचर्स। रिएक्ट की स्टेट्स होती हैं, मतलब जावास्क्रिप्ट की जो डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं उनकी कुछ स्टेट्स होती हैं और कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे उन स्टेट को चेंज कर सकते हैं, यानी फंक्शंस। तो उन तक की एक्सेस आपको प्रोवाइड करता है हुक्स। तो ये किसकी जगह पर रिप्लेस हुए हैं? ये बेसिकली क्लास कंपोनेंट्स की जगह पर रिप्लेस हुए हैं, ये अब यूज नहीं होते। तो क्लास कंपोनेंट्स की जगह पर अब हुक्स यूज होते हैं। पहले तो ये पता चल गया कि हुक्स होते क्या। अच्छा, हम अपने हुक्स को कहीं पर भी ऐड कर सकते हैं। हुक को ऐड करने का सिंपल तरीका मैं आपको बता चुका हूँ कि आप एक लाइन ऐड करते हैं रिएक्ट, इंपोर्ट रिएक्ट और उसके हुक्स की। ये कॉमा सेपरेटेड यूज स्टेट है, यूज इफेक्ट है, यूज रेफरेंस है। यहाँ पे आप कोई भी हुक यूज कर सकते हैं और वो रिएक्ट के रेफरेंस से आप उसको वो कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। इसी बच्चे का दोबारा माइक ओपन हो गया। आप अपने माइक पे जरा तवज्जो दें, माइक ओपन नहीं होना चाहिए। तो हमने एक सिंपल सी एग्जांपल भी की थी। मिसाल के तौर पे ये मैं आपको छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ। इस एग्जांपल से ये बेसिकली रिवीजन है। ये देखें, मैं यहाँ पर जिसको भी क्लिक कर रहा हूँ उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो यूज हुक्स की सिंपल सी डेफिनेशन, यूज हुक बेसिकली यूज स्टेट कैसे इस्तेमाल करते हैं। आप यूज स्टेट का कीवर्ड यहाँ पर इंक्लूड करोगे, इंपोर्ट करोगे फ्रॉम रिएक्ट के कंपोनेंट्स।
उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, जब आप यूज स्टेट डिफाइन करोगे तो उसके अंदर आपको एक कांस्टेंट का की अरे डिफाइन करनी पड़ेगी। हमेशा याद रखें इसमें दो दो पैरामीटर्स होते हैं, पहला वेरिएबल और दूसरा फंक्शन। यानी ये जो यू स्टेट है इसकी वेरिएबल का नाम है कलर। अब इसमें यहाँ पर मल्टीपल यू स्टेट्स डाल सकते हैं। अब इस कलर को हम यहाँ पर एज इट इज कॉल कर लेते हैं, जैसे माई फेवरेट कलर इज कलर, जो भी कलर है इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो बाई डिफॉल्ट इसका कलर क्या है, रेड। आप लोग देख रहे हो बाई डिफॉल्ट कलर क्या है इस यू स्टेट का, रेड। तो जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो फेवरेट कलर की वैल्यू क्या आ जाएगी, रेड। अब हमने क्या करना है, हम इस यूज स्टेट की वैल्यू को चेंज करेंगे, बट इसके चेंज करने का तरीका कार क्या है, थ्रू फंक्शन। तो फंक्शन का नाम क्या है, सेट कलर। तो ये आपको एक प्रॉपर यू स्टेट का सिंटेक्स मिल गया। बोलो मैंने आप लोगों को कहा है कि अपनी अपना जो माइक बंद कर दें, मुझे बार बार कहना पड़ रहा है अपना माइक बंद करें। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि इसकी स्टेट चेंज करनी है। स्टेट क्या है, मिसाल के तौर पे कलर में अगर रेड पड़ा हुआ है तो इसकी स्टेट अगर मैं चेंज कर दूं, यानी इसमें कोई और वैल्यू डाल दूं, तो ये क्या बन जाएगा, स्टेट चेंज हो जाएगी। मिसाल के तौर पे ब्लू, तब ये ब्लू सेट कैसे करेंगे, वेरी सिंपल। हम ऑन क्लिक के अंदर एक फंक्शन कॉल कर लेंगे, फंक्शन का नाम हमारा सेट कलर है, और इसके अंदर कोई भी हम वैल्यू असाइन कर देंगे। मतलब जैसे हमने ये यूज स्टेट को कॉल किया, बिल्कुल उस तरीके से हम इसके फंक्शन को कॉल करेंगे, और ऑन क्लिक के फंक्शन पे बटन के क्लिक करने पर उसकी वैल्यू सेट करवा देंगे। तो होगा क्या, जब हम इस बटन के कंटेंट पे क्लिक करेंगे लाइक ये, तो इस सेट कलर की वेरिएबल की वैल्यू क्या बन जाएगी, ब्लू बन जाएगी। इसी तरह अगर एक और बटन है जिसमें सेट कलर रेड हमने सेट किया हुआ है, तो उसका वैल्यू रेड हो जाएगी। इस तरह अगर एक और बटन है उसके हमने सेट कलर में पिंक सेट किया हुआ, तो रेड वैल्यू क्या हो जाएगी, पिंक। तो वेरी सिंपल, ये छोटी सी एक यू स्टेट की एग्जांपल थी, क्लियर। अच्छा, इसके अलावा असल में आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम यूज स्टेट के अलावा भी डिफरेंट किस्म की हुक्स देखें। तो चार किस्म के बेसिक इंपॉर्टेंट हुक्स हैं जिनका रिएक्ट में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज कॉन्टेक्स्ट और यूज रेफरेंस। ये वैसे लास्ट लेक्चर में मैंने इनका इंट्रो दे दिया था, आज मैं जस्ट इसको थोड़ा सा मोर एलेबोरेट कर देता हूँ। यूज इफेक्ट हुक है ये भी हुक। तो ये बेसिकली साइड इफेक्ट्स इन योर कंपोनेंट्स, मतलब लाइक आपने अगर यूज यूज इफेक्ट यूज किया हुआ है, यूज स्टेट यूज किया हुआ है, तो सेम दो पैरामीटर इसके अंदर भी होते हैं, बट इसमें पहला पैरामीटर फंक्शन है और दूसरा पैरामीटर फंक्शन की डिपेंडेंसी है। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई कोई ऑटो रन का फंक्शन बना रहे हो, हर सेकंड पर रीलोड होने वाला फंक्शन बना रहे हो, तो आप कहते हो कि जी किसी खास वैल्यू पर ये रीलोड होना बंद हो जाए तो वो उसकी डिपेंडेंसी है। मिसाल के तौर पर हमने कोई काउंटर लगाया हुआ है, हम कहते हैं जैसी वेब पेज लोड हो एक काउंटर चल पड़े, एक काउंटर चल पड़े, ठीक है, ये तो फंक्शन है, फंक्शन का काउंटर बन गया, लेकिन वो फंक्शन कब रुके, डिपेंडिंग अपॉन दिस एट्रीब्यूट। यानी यहाँ पे अगर हम कोई एट्रीब्यूट डाल देते हैं, यानी दिस इज अ डिपेंडेंट, अगर हम ये डाल देते हैं तो इट्स मीन के आपने इसको कोई चेकलिस्ट लगा दी। तो इसकी छोटी सी एग्जाम्पल अभी हम देख लेते हैं। तो दिस इज साइड इफेक्ट, मिसाल के तौर पर हमने ये देखें, बिल्कुल उसी तरीके से हमने क्या किया, यूज स्टेट और यूज इफेक्ट इसको हमने यूज करना। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे हम इसको रन कर लेते हैं। अब ये देखें, ये रेंडरिंग हो रही है। एक्चुअली यूज इफेक्ट के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि दो फंक्शंस हैं, पहला फंक्शन उसका डिफॉल्ट फंक्शन है जो कि यहाँ से यहाँ तक है। ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये एक फंक्शन है जिसके अंदर एक और फंक्शन है सेट टाइम आउट का, और सेट टाइम आउट में जो काउंट की वैल्यू जो जीरो से स्टार्ट हुई थी यूज स्टेट की मदद से, उसमें एक इजाफा होता जा रहा है, और अगर उसमें एक इजाफा होता जा रहा है तो जारी बात है ये फंक्शन चलता रहेगा, बट उसका काउंटर कौन करेगा, सेकंड पैरामीटर। यहाँ पे क्या वैल्यू लिखी हुई है, 1000, तो ये उसका डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंसी है, तो ये ऑटोमेटिक चलना शुरू हो जाएगा अंटिल और अनलेस इसकी वैल्यू कहाँ तक पहुंच जाएगी, 1000, 1000 के बाद ये नहीं चलेगा। ये बात समझ आ गई। तो अब मैं इसको दोबारा आपको दिखाता हूँ कि यूज इफेक्ट के अंदर सिंपली दो फंक्शंस हैं, पहला फंक्शन दो पैरामीटर है, पहला पैरामीटर फंक्शन है और दूसरा पैरामीटर उसकी डिपेंडेंसी है। फंक्शन वही सिंपल वाली बात, एरो फंक्शन यूज करोगे, एक फंक्शन के अंदर मल्टीपल फंक्शन भी यूज हो जाते हैं, और
जो दूसरी वैल्यू है उसकी उसकी डिपेंडेंसी है। मिसाल के तौर पर अगर आपने एक अकाउंट यू स्टेट बनाया हुआ है और उस अकाउंट में एक इजाफा करते जा रहे हो फंक्शन के अंदर, ठीक है, सेट काउंट की मदद से, ठीक है, ये सेट काउंट क्या कर रहा है, यू स्टेट का फंक्शन कॉल होता जा रहा है और उसमें एक इजाफा होता जा रहा है। जैसे ही इजाफा होगा यहाँ से रेंडरिंग शुरू हो जाएगी, ये रेंडर टाइमर शुरू हो, टाइमर हमने एक फंक्शन लिया हुआ है और उसके अंदर हमने ये फंक्शन जिसको हम कहते हैं हमारा ये रिएक्ट फंक्शन है, तो इसके मुताबिक आपकी जो काउंटर है वो चलता जाएगा और 1000 पे जाकर रुक जाएगा। तो सिंपल ये इसकी एग्जांपल है। तो इसको मोर एलेबोरेट कर दिया गया है। यूज इफेक्ट के अंदर आप सबसे पहले क्या करते हो, फंक्शन डालते हो और उसके बाद डिपेंडेंसी डालते हो। डिपेंडेंसी में आप दो बातें डाल सकते हो, प्रॉप्स और स्टेट। मिसाल के तौर पर हम एक एग्जांपल कर लेते हैं यहाँ पर, ये वाली, ये देखें, ये एक्चुअली क्या कर रहा है, ये जो मौजूदा वैल्यू है उसमें प्रीवियस वैल्यू को ऐड कर रहा है मल्टीप्लाई बाय टू करके, यानी मल्टीप्लाई बाय टू के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। जैसे अगर 4 होगा तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 8। तो ये आउटपुट हासिल करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हम एक काउंट की वैल्यू ले लेते हैं थ्रू यू स्टेट और उसकी डिफॉल्ट वैल्यू हमने क्या रख दी, 0। अब हम सेट काउंट की मदद से क्या करेंगे, क्लिक करने के ऊपर इसमें वैल्यू स्टोर करवाएंगे। कौन सी वैल्यू स्टोर करवाएंगे, ना सिर्फ एक इजाफा हो बल्कि कैलकुलेशन में 2 से मल्टीप्लाई भी हो। अब हम ये दो काम कर रहे हैं, तो इसका कोई मुश्किल फंक्शन नहीं है। हम एक बटन बना लेंगे, दिस इज अ बटन, इसको क्लिक करने के पर हम यू स्टेट का ही फंक्शन कॉल करेंगे जैसे हमने सबसे पहले एग्जाम्पल में किया। और इसमें हम सिंपली ये कर रहे हैं कि सी की जो भी करंट स्टेट है, क्योंकि यू स्टेट की बात हो रही है, तो जो भी करंट स्टेट है उसमें एक इजाफा करते हैं। तो करंट स्टेट इस टाइम कितना है, 5। तो जैसे हम उसको क्लिक करेंगे तो उसमें एक इजाफा हो जाए। और बट साइड इफेक्ट क्या है इसका, वो यूज इफेक्ट में डिफाइन है। वो क्या है कि ठीक है इसकी वैल्यू तो 6 हो गई, लेकिन साइड इफेक्ट में इसका क्या इफेक्ट आ रहा है, इसका इफेक्ट ये आ रहा है कि हम यूज इफेक्ट की मदद से एक फंक्शन बनाएंगे और साथ एक हम उसका डिपेंडेंट देंगे। तो फंक्शन हमने बना लिया सेट कैलकुलेशन, यानी हम यूज स्टेट की मदद से फिर दो वेरिएबल और ले लेते हैं, एक वेरिएबल का नाम है कैलकुलेशन और दूसरे वेरिएबल का नाम है सेट कैलकुलेशन। कैलकुलेशन एक वेरिएबल का नेम है और सेट कैलकुलेशन एक फंक्शन का नाम है। तो सेट कैलकुलेशन में जो भी काउंट की करंट स्टेट है उसे 2 से वो मल्टीप्लाई करके वहां पर दिखा देगा, दैट्स इट। तो ये है बेसिकली क्या यूज इफेक्ट, समझ आ गई बात की। यूज इफेक्ट सिंपल है, वेरी सिंपल है। यूज इफेक्ट के अंदर दो पैरामीटर डालने हैं, ये मैं बार बार बता रहा हूँ। पहला पैरामीटर एक फंक्शन, दूसरा पैरामीटर एक डिपेंडेंसी, दैट्स इट। क्लियर होगी ये वाली बात, इसमें कोई क्वेश्चन है तो। मैंने आप लोगों को काम कहा था कि ये पढ़ के आना आप लोगों ने। जी जी क्या क्वेश्चन, सिर्फ फिर ये चलेगा, ठीक है, क्योंकि डिपेंडेंसी में जो आप वेरिएबल का नाम यूज कर रहे हैं वो है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन भी यूज स्टेट है, ये कैलकुलेशन की भी डिफॉल्ट वैल्यू होती है, ठीक है। मतलब मैं इसको रीलोड करता हूँ, कैलकुलेशन की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, 0। अब इसकी वैल्यू कौन सेट करवा रहा है, सेट कैलकुलेशन एक फंक्शन है वो सेट करवा रहा है। अब वो कहाँ पे सेट हो रहा है, ये बेसिकली सेट हो रहा है यूज स्टेट के अंदर। वो क्या कह रहा है, जो भी काउंट की डिफॉल्ट वैल्यू उसको 2 से मल्टीप्लाई करके सेट करवा दे। ये देखें 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई करके सेट हो। ये डिपेंडेंसी, जी। अच्छा यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि ये फिर रन नहीं होगा, उसकी वजह ये है कि इसको करंट जो स्टेट है वो कौन सा वेरिएबल प्रोवाइड कर रहा है काउंट का, तो इसलिए ये लाजमी डालना है, ठीक है। यानी ये काउंट असल में डिपेंड ही इस पे कर रहा है ना, जी। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। ये बेसिकली देखिए मेरी बात सुनिए, वो फंक्शन ही ऐसा था जिसको हम स्टॉप कर रहे थे, ये वो स्टॉप वाला तो फंक्शन नहीं है। असल में ये ऐसे ही है, आपने कभी एक फार्मूला सुना है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन का फार्मूला सुना हुआ है। तो एक्स की वैल्यू चेंज होने पर वाई की वैल्यू चेंज होती है, तो समझ लो ये वो चीज़ बनाई गई है। एक्स की वैल्यू चेंज होने पर वाई की वैल्यू चेंज होगी, यानी काउंट की वैल्यू चेंज होने पर सेट कैलकुलेशन चेंज हो रहा है, दैट्स इट, ठीक है।
यानी ये उसकी डिपेंडेंसी है, ये चेंज होगा तो ये इफेक्ट आएगा। जी जी यहाँ पे आप कह रहे हैं बेटा ये जो करंट स्टेट ही ना पिक कर रहा है, करंट स्टेट तो ये पिक कर रहा है, ये पिक करके इसको दे रहा है। ये देखो स्टेटमेंट लिखी हुई है ना, सेट कर द काउंट वेरिएबल, करंट काउंट वेरिएबल हियर, ठीक है। अच्छा उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है, यूज कॉन्टेक्स्ट, यूज कॉन्टेक्स्ट। अच्छा ये इसका मतलब ये होता है कि अब आप इसको फंक्शन से बाहर ले आएंगे, यानी ये ग्लोबली सेट हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास कुछ कंपोनेंट्स हैं, चाइल्ड कंपोनेंट्स, इसकी एग्जांपल मैं यहां से आपको करवाता हूँ। कुछ चाइल्ड कंपोनेंट्स हमारे पास मौजूद हैं, मिसाल के तौर पर एक ये फंक्शन है कंपोनेंट टू, फिर कंपोनेंट थ्री, फिर कंपोनेंट फोर, फिर कंपोनेंट फाइव, हमारे पास मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं, बट रेंडर कौन सा कंपोनेंट हो रहा है, वन कंपोनेंट। अब जो वन कंपोनेंट है बेसिकली ये क्या कर रहा है, यहाँ पर एक ग्लोबल वेरिएबल सेट करवा रहा है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमने एक वेरिएबल सेट करवा लिया यूजर के नाम से, तो यूजर के नाम से वेरिएबल सेट करवा लिया जिसमें डिफॉल्ट वैल्यू हमने कौन सी डाल दी, जैसी हॉल या कोई भी हमने वेरिएबल मुजम्मिल ऐसा कोई भी वट एवर आप डाल देते हो यहाँ पर। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि यूजर की कुछ वैल्यूज जो करंट वैल्यू है वो इसमें आप पास करोगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखिए ये देखें ये पास हो रही है यूजर की करंट वैल्यू कंपोनेंट टू में, कंपोनेंट टू में यूजर की जो भी करंट वैल्यू है वो आप पास कर रहे हो कंपोनेंट टू के अंदर, और कंपोनेंट टू जो है वो यूजर की वैल्यू कंपोनेंट थ्री में पास कर रहा है, और कंपोनेंट थ्री यूजर की वैल्यू जो है वो कंपोनेंट फोर में पास कर रहा है। इसका मतलब है कंपोनेंट फाइव तक आते आते ये जो यूजर की वैल्यू है ये हर कंपोनेंट को पास करनी पड़ेगी तभी वो कंपोनेंट फाइव पे पहुंचेगा। अगर आप किसी भी कंपोनेंट को बीच में मिस कर देते हो, ये वेरिएबल वैल्यू पास नहीं करते, तो कंपोनेंट फोर में वो यूजर की वैल्यू नहीं जा पाएगी, और इस तरह वो कंपोनेंट फाइव में भी वो यूजर की वैल्यू नहीं भेज पाएगा। ये पॉइंट समझ आई बात की, दोबारा सुने। हाँ मैं अभी आपको इसकी एग्जांपल करवा देता हूँ, इसकी एग्जांपल करवा देता हूँ, मैं रन टाइम पे एग्जांपल करवा देता हूँ। ये देखें यहाँ पे मैं एक फाइल बना लेता हूँ यूज कॉन्टेक्स्ट डॉट जेएस, और इसका यू कैपिटल कर लेते हैं। जी 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 वो डिलीट करना पड़ेगा, अगर किसी का कैपिटल में नहीं हुआ वो कैशे में सेव हो जाएगा, वो एरर आता रहेगा। कैशे कौन से आप डिलीट करेंगे तो कैशे से रिमूव हो जाएगी। देखिए यहाँ पे मैं आपको इसकी एग्जांपल समझा देता हूँ। हमने एक फंक्शन बना लिया, हमने एक कंपोनेंट बना लिया, लाइक ये हमारा कंपोनेंट है, उसमें मैंने एक वेरिएबल ले लिया, हमारा कंपोनेंट तो ये है ना इस टाइम, ठीक है। अच्छा ये लाइट्स ऑफ कर दे, लाइट्स ऑफ कर दो, मैं इसमें डाल लेता हूँ क्योंकि डिफॉल्ट हमारी ये चलेगी, ठीक है, तो मैं इसके अंदर डाल लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ,
देखें जी, ये हमने यू स्टेट यूज किया, तो इसका मतलब है मुझे यहाँ पर यू स्टेट ऊपर इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसमें एक यू स्टेट यूज कर लिया हूँ, राइट। और दूसरा मुझे क्या इस्तेमाल करना था, यूज कॉन्टेक्स्ट, तो ये मैंने यूज कॉन्टेक्स्ट भी यूज कर लिया। इस टाइम यू स्टेट मैंने इसमें इस्तेमाल कर लिया, और मैं उसमें एक डिफॉल्ट वेरिएबल डाल देता हूँ मुजम्मिल, अच्छा। यहाँ पे मैंने क्या किया कि आप समझने की कोशिश करें कि एक मैंने डिफॉल्ट हमारा फंक्शन था ऐप का फंक्शन, और उसको मैंने रेंडर कर दिया, ठीक है। और उसके अंदर मैंने क्या किया कि एक यूज कॉन्टेक्स्ट बना लिया। यहाँ तक बात समझ आ गई, ये पुराना काम है, ये कोई नया काम नहीं। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है कि कुछ चाइल्ड कंपोनेंट्स, कुछ फर्दर हमने कंपोनेंट्स बनाने। हम लाइक कंपोनेंट बना लेते हैं, यहाँ से हम एक कंपोनेंट दूसरा बना लेते हैं। अभी मैंने कंपोनेंट बनाया यहाँ पर जिसका नाम था यूज यूज कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। ये मैंने कंपोनेंट बना लिया यहाँ पे, अच्छा। इस कंपोनेंट में मैं क्या करूँगा, मैं एक वेरिएबल पास करूँगा लाइक चले, मैं उसके अंदर ही कंपोनेंट बनाता हूँ ताकि मुश्किल पेश ना आए, ठीक है। हम उसके अंदर ही कंपोनेंट बना लेते हैं ताकि वो सेम लोकेशन पर हमें आइडिया हो कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो मैं इसके बाद एक फंक्शन बना लेता, ये मैंने एक कंपोनेंट टू बना लिया, और एक और कंपोनेंट में बना रहा हूँ कंपोनेंट, फिलहाल मैं कंपोनेंट टू बना रहा हूँ, ठीक है। और इसके अंदर कोई कंपोनेंट पास नहीं कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं फिल वक्त इसी को यूज कर रहा हूं। मैं सिर्फ दो कंपोनेंट्स के साथ मैं काम कर रहा हूं, आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा भाई, सिंपल एग्जांपल देखिए, हमारे पास एक यूज स्टेट है यूजर के नाम की, ठीक है। और अभी हमने सेट यूजर के फंक्शन को यूज नहीं किया, हमने ये कहा कि एक कंपोनेंट टू कॉल हो जाए जिसके अंदर प्रॉप्स यूजर हमने बनाया, और उस प्रॉप्स के अंदर हमने वेरिएबल पास कर दिया जिसका नाम है मुजम्मिल, और उसको मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ जी। हाँ, ये मेरे टर्न इंटर कर, अच्छा जी। ये अभी हम इसको देख लेते हैं हमारे पास क्या चेंजेस आई। अच्छा जी, इसमें यूज कॉन्टेक्स्ट इज डिफाइंड बट नेवर यूज। अभी हम इसको इस तरह करते हैं, एक वार्निंग आ गई है, यूज कॉन्टेक्स्ट हम यूज नहीं कर रहे, राइट। अच्छा, जब भी एरर आए आप लोगों ने ना इसके सोर्स में देख लेना है या नेटवर्क में देख लेना, कोई एरर तो नहीं है। एरर कोई नहीं, इसका मतलब कम हो गया, बस हमने इसको प्रिंट करना। लेआउट, एक्चुअली ये सारा काम लेआउट में चला गया हुआ है, इसलिए हमें लेआउट में ये चीज देखनी पड़ेगी।
यार असद बात सुनो, मौसम चल रही है आज, किसने भी नहीं चल रहा है, मौसम चल रहा है। इसको देख लेते हैं, मैं तो दूसरा माउस देखिए, इसका लेफ्ट क्लिक नहीं चल रहा। अच्छा प्रोग्राम कैसे हो, माउस ठीक है, अच्छा हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं क्योंकि ये लेआउट के थ्रू लोड हो रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पेज हो गया है, कोई बात नहीं, इसको हम कर लेते हैं मैनेज, ठीक है। क्योंकि हमारा डिफॉल्ट पेज अब होम पेज है, और जो बाकी हमारे बेसिकली ये जो कंपोनेंट्स हैं ना, ये अब होम पेज से लोड होंगे, इसलिए मैं इसको वहां पे मूव करके करने जा रहा हूँ। क्योंकि हमने लास्ट टाइम काम किया था ना इसके ऊपर, ये राउट्स के ऊपर, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया। अच्छा जी, हम सीख रहे हैं यूज कॉन्टेक्स्ट सीख रहे हैं, मतलब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यूज कॉन्टेक्स्ट में हमने बात की कि उससे पहले हमें यूज कॉन्टेक्स्ट की जरूरत क्यों महसूस हुई, वो हम सीख रहे हैं। अच्छा, अब इसको सिंपली समझें, यहाँ पे बिलफर्ज मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ। आज माइक्स ये साथ नहीं दे रहा मेरा, माइक माउस, ये मैंने कंपोनेंट 3 बना लिया है। इसको आप समझे, ये कंपोनेंट 3 बना लिया, दिस इज कंपोनेंट 3। और जिस तरह कंपोनेंट 2 कंपोनेंट 1 में कॉल हो रहा था, तरह मैं कंपोनेंट 3 कंपोनेंट 2 में कॉल कर रहा हूँ। और कंपोनेंट 3 में मैं कंपोनेंट 4 को कॉल करूंगा, बट अभी मैं कंपोनेंट 3 के अंदर ही इस यूजर वेरिएबल को प्रिंट करवा रहा हूँ। तो मुझे एक बात बताएं यहाँ पर, कंपोनेंट 3 के अंदर ये यूजर की वैल्यू कहाँ से आ रही है? कंपोनेंट 2 से। कहाँ से आ रही है? क्योंकि कंपोनेंट 2 में कंपोनेंट 3 के अंदर प्रॉप्स की मदद से यूजर की वैल्यू पास की जा रही है। ये बात समझ आ गई? इसी तरह कंपोनेंट 1 जो जो मेरा होम है, उसको कंपोनेंट 1 कह लें, ये पास कर रहा है कंपोनेंट 2 को यूजर की वैल्यू। समझ आ रही है बात की? यहाँ पर आप वेरिएबल डिफरेंट भी डाल सकते हैं, जैसे इसको अगर आप 1 कह रहे हैं तो यहाँ पर आप 1 को कंज्यूम कर लेंगे और 1 को ही डिस्प्ले करवा देंगे। अगर आप यहाँ पर एक और नया वेरिएबल बना रहे हैं तो इसको आप 2 कह दें और 2 को कंज्यूम कर लें और यहाँ पर आप 2 को कॉल कर लें, तो ये वेरिएबल के नाम रखना मसला नहीं है। इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट ये है, सेम नाम इसलिए रखा गया कि आपको ये पता चले कि बेसिकली कंपोनेंट यानी होम कंपोनेंट के अंदर जो यूजर की वैल्यू है वो कंपोनेंट 3 तक कैसे पहुंच रही है, नॉट डायरेक्ट बट थ्रू द मीडियम। वो मीडियम कौन सा है? कंपोनेंट 2। दोबारा सुन लें,
होम कंपोनेंट है, उसमें कंपोनेंट टू को कॉल किया गया विद प्रॉप्स, प्रॉप्स की वेरिएबल नेम है यूजर, और फिर इसी यूजर को आगे पास किया गया कंपोनेंट थ्री के अंदर, अगेन एक वेरिएबल ले लिया यूजर, और फिर वो वेरिएबल आगे फिर यूज हुआ और कंपोनेंट फोर के अंदर कॉल हो गया, तो यहाँ पे आपके सामने आउटपुट आ गई। ये देखिए यहाँ पर कंपोनेंट फोर में जाके आउटपुट मिल गई। तो दिस इज द सिंपल एग्जांपल ऑफ यूज स्टेट। यूज कॉन्टेक्स्ट अभी नहीं हुआ, तो यूज कॉन्टेक्स्ट क्या काम करता है? अगर आपने डायरेक्ट वेरिएबल को डिफाइन कर लिया, मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पर डायरेक्ट वेरिएबल डिफाइन कर लेते हो, यहाँ पर कोई ऐसा वेरिएबल डिफाइन कर लेते हो जो ग्लोबली सेट हो जाए, तो फिर वो बीच में मीडियम्स निकल जाएंगे डायरेक्ट कंपोनेंट फोर में या कंपोनेंट थ्री में, उसकी वैल्यू अगर आपको मिल जाए तो क्या वो बेहतर नहीं है? तो किस चीज के लिए क्या यूज करते हैं? यूज कॉन्टेक्स्ट। इसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद दोबारा इसकी एग्जांपल करते हैं। देखिए उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का एक आपको वेरिएबल यूज करना पड़ेगा, यानी जब आपने यूज कॉन्टेक्स्ट करना है तो फिर क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, उसके अंदर क्रिएट और कंज्यूम दो चीजें हैं, तो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट करोगे वो ग्लोबली वेरिएबल यूजर के नाम का या किसी भी नाम का क्रिएट हो जाएगा, और जहां पे आपने उसको कंज्यूम करना है तो वो जस्ट आपने कंज्यूम कर लेना, तो प्रोवाइडर के थ्रू। तो ये सिंपल सी एग्जाम्पल, अभी हम इसको करके देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को हम यहाँ पे समझ भी लेते हैं और इसका एक कोड भी मैं आपको परफॉर्म करवा देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं, जो हमारा लास्ट कंपोनेंट है, जो सबसे लास्ट कंपोनेंट है, उसमें मैं एक वेरिएबल बनाने जा रहा हूँ, जहां पे मैं कह रहा हूँ कि जी यूजर कॉन्टेक्स्ट को हमने कंज्यूम करना है। तो ये ले जी, जो मेरा लास्ट कंपोनेंट है उसके अंदर मैं रिटर्न से पहले ये यूज कॉन्टेक्स्ट करने जा रहा हूँ। अब यूज कॉन्टेक्स्ट करने के लिए मुझे यूज कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल भी करना चाहिए, मतलब इसको इंपोर्ट करना चाहिए, तो मैं क्रिएट कॉन्टेक्स्ट और यूज कॉन्टेक्स्ट इंपोर्ट करूंगा। ये देखिए मैं यहाँ पर, ये मैंने दोनों इंपोर्ट कर लिए। अब इसमें से यूज कॉन्टेक्स्ट तो यूज हो गया आखिर में, लेकिन यूजर कॉन्टेक्स्ट यूज नहीं हुआ। यूजर कॉन्टेक्स्ट क्या, अभी मैं आपको बताता हूँ। यूजर कॉन्टेक्स्ट बेसिकली हमारा एक कंजप्शन है, यानी जो हम प्रोवाइड करेंगे वो है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक पेरेंट कॉन्टेक्स्ट बनाना पड़ेगा यूजर कॉन्टेक्स्ट के नाम से, और उसके अंदर उसका प्रोवाइडर लिखना पड़ेगा। तो जहाँ पे हम इसको रिटर्न कर रहे हैं, ये जो सारा हमारा है, या वो कर लें या जो हमारा सिर्फ कंपोनेंट है उसके अंदर मैं इसको यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये कंपोनेंट जी, अब मुझे इसके अंदर वैल्यू पास करने की जरूरत नहीं है। हमने क्या किया कि हमने यूजर कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर में वो यूजर की वैल्यू डाल दी जो कि ग्लोबली उसने सेट कर दिया, और मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूँ। इसके लिए हमारे पास एक कंडीशन ये है कि हम इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे यूजर कॉन्टेक्स्ट के नाम से, जो कि क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का होगा ग्लोबली। यहाँ पे मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि आपको ग्लोबली एक बनाना पड़ेगा। अच्छा ये हमारा कोड मुकम्मल हो गया, इस कोड को जरा हम दोबारा समझते हैं, और मैं यहाँ पर मीडियम्स खत्म करने जा रहा हूँ, मतलब मुझे अब यहाँ पर जो लास्ट मेरा कंपोनेंट है ना उसमें मुझे अब इनपुट लेने की जरूरत नहीं है, ये मैं इनपुट निकाल रहा हूँ। ये भी मैंने इनपुट निकाल दिया और ये भी मैंने इनपुट निकाल दिया, और चूंकि इसके अंदर अब मुझे यूजर मिल नहीं रहा तो ये तो खैर पुराना ही एक कोड है, तो इसको मैं फिलहाल सादा कर रहा हूँ, मतलब इसके अंदर से प्रॉप्स निकाल रहा हूँ। अब आप समझे, जो कंपोनेंट थ्री है जो कि कंपोनेंट टू में कॉल हो रहा है, उसमें कोई वेरिएबल पास हो रहा है?
पहले सवाल मुझे बताएं, कोई प्रॉप्स पास हो रहा है बट उसके अंदर यूजर की वैल्यू आपको मिल रही है, हालांकि पहले हम उसको प्रॉप्स को पास करते थे फिर जाके यूजर को प्रिंट करवाते थे, लेकिन यहाँ पर यूजर की वैल्यू मिल रही है, वो कैसे मिल रही है? अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यूजर एक ऐसा वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसको बेसिकली यूज कॉन्टेक्स्ट के कॉन्टेक्स्ट की मदद से कंज्यूम करना हो। अब यूज कॉन्टेक्स्ट में क्या पड़ा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है यूजर कॉन्टेक्स्ट के नाम से। यूजर कॉन्टेक्स्ट क्या चीज है, यूजर कॉन्टेक्स्ट में एक प्रोवाइडर है जो कि वैल्यू यानी उस वेरिएबल में यूजर की वैल्यू डाल रहा है, मिसाल के तौर पर जो भी उसके यूज स्टेट की मदद से उसको यूजर की वैल्यू मिल रही है वो उसमें डाल देगा। अब ये ग्लोबली सेट होगा, उसके लिए प्री रिक्वेस्ट क्या है कि आपने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट के फंक्शन को कॉल करना है और उसको यूजर कॉन्टेक्स्ट में स्टोर करवा देना है। यहाँ पर कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हो, जरूरी नहीं है आपने यही लेना है, माई कॉन्टेक्स्ट भी ले सकते हो और माई कॉन्टेक्स्ट का प्रोवाइडर भी बना सकते हो और उसमें एक वैल्यू भी स्टोर करवा सकते हो। तो जिस नाम का आप प्रोवाइडर बनाओगे उसी नाम को आप यहाँ पर कंज्यूम कर लोगे, तो ये आपका यूज कॉन्टेक्स्ट है जो कि एक वेरिएबल में स्टोर हो गया, आप इसको ग्लोबली एक्सेस कर सकते हो। सेट यूजर इज असाइन टू अ वैल्यू, अभी हम सेट यूजर देखते हैं, ठीक है ये यूज नहीं हो रहा कोई बात नहीं, इसको चला लेते हैं। ये देखिए कंपोनेंट फोर के अंदर वैल्यू रिसीव हो गई, ये बात समझ आ रही है, ये कंपोनेंट फोर के अंदर जो मैंने सेट वैल्यू करवाई थी यूजर में वो मुझे मिल गई। इसको दोबारा रन कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने मेजर चेंजेस की हैं, कोई बात नहीं ये वार्निंग है इसकी खैर है। ये देखें ये मुझे वैल्यू मिल गई कंपोनेंट फोर में विदाउट पासिंग एनी प्रॉप्स, मुझे उसकी वैल्यू मिल गई, तो दिस इज यूज कॉन्टेक्स्ट। अब यूज यूज कॉन्टेक्स्ट में और यूज स्टेट में और यूज इफेक्ट में क्या फर्क है, लेकिन अभी हमने ये पढ़ा ना यूज स्टेट यूज इफेक्ट और यूज कॉन्टेक्स्ट, ये हमने तीन अभी हुक्स पढ़े हैं, तो इसको क्विकली रिवाइज करने जा रहा हूं मैं। यूज स्टेट सिंपल क्या है, एक डिक्लेरेशन है वेरिएबल की और जिसकी आप स्टेट सेट कर सकते हो, यानी वेरिएबल की वैल्यू सेट कर सकते हो। इसके अंदर दो पैरामीटर होते हैं, वेरिएबल का नेम और देन फंक्शन का नेम, फंक्शन की नेम की मदद से हम वेरिएबल का नेम सेट कर सकते हैं। यूज इफेक्ट क्या चीज़ है, यूज इफेक्ट इज द साइड इफेक्ट, जैसे कि इसके नाम से जाहिर है, आप कोई भी अपना फंक्शन बनाकर आप उसके वेरिएबल्स में वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हो, उसमें आप राउट वो लगा सकते हो, रिफ्रेशर लगा सकते हो और रन टाइम पे उसका एक डिपेंडेंट डाल सकते हो, उसके हमने पीछे एग्जाम्पल देख ली। और उसके बाद यूज रेफरेंस, यूज रेफरेंस का क्या काम है, सॉरी यूज कॉन्टेक्स्ट, यूज कॉन्टेक्स्ट का क्या काम है कि अगर आपने वेरिएबल डिफाइन कर दिया सुपर लेवल के ऊपर तो इसके अंदर आपको पास करना पड़ता है, मतलब अगर अगर आपने दो तीन कंपोनेंट्स बना लिए हैं तो पहले कंपोनेंट में जो आप वेरिएबल डालोगे उसको दूसरे कंपोनेंट में पास करोगे, दूसरे में जो डालोगे उसके तीसरे में पास करोगे, तो फिर तीसरे वाले को चौथे में पास करोगे तब जाके चौथे में एक्सेस कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो फिर आपको दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, वो तो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं, वो है ये है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट और यूज कॉन्टेक्स्ट। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट में आप कोई भी एक सुपर वेरिएबल बना लेते हो और उसके प्रोवाइडर में आप कोई भी वेरिएबल डाल देते हो, अब आपने उस प्रोवाइडर को यूज करना है, यानी यूज कॉन्टेक्स्ट की मदद से आपने उस प्रोवाइडर को यूज करना है, यूजर कॉन्टेक्स्ट जो भी आपने प्रोवाइडर बनाया होगा, और उसको एक वेरिएबल में डाल देना है। अब चाहे वो लास्ट कंपोनेंट में डालें या 1700 पर्दों के बाद डालें, वो वेरिएबल एक्सेसिबल हो जाए। ये बात समझ आ गई, ये यूज क्यों किया ये भी पता चल गया और इससे पहले क्या मसला आ रहा था वो भी आपको पता चल गया। इससे पहले क्या मसला आ रहा था, यूज कॉन्टेक्स्ट तो अगर हम यूज कर रहे थे विदाउट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट तो क्या प्रॉब्लम आ रहा था, कौन बताएगा आप में से, सिंपल कि जब भी आप कोई कंपोनेंट कॉल करते थे उसमें उसके प्रोसेस में आपको वैल्यू भेजनी पड़ती थी, लेकिन अब आपको वैल्यू भेजने की जरूरत नहीं है, बस दिस इज द सॉल्यूशन। ये बात समझ आ गई। अब जो हमारा फोर्थ हुक है जिसका नाम है यूज इफेक्ट,
क्या नाम है, यूज रेफरेंस, यूज रेफरेंस। तो यूज रेफरेंस की थोड़ी सी थ्योरी देखते हैं। अच्छा, इसमें आप कोई वैल्यू परसिस्ट कर सकते हो, यानी रोक सकते हो बिटवीन रेंडर्स, यानी यूज रेफरेंस आप किसी भी पॉइंट के ऊपर वेरिएबल की स्टेट चेंज को ब्लॉक कर सकते हो और उसके बाद उसको दोबारा कॉल कर सकते हो। तो द यूज रेफरेंस हुक्स अलाउ यू टू परसिस्ट वैल्यूज बिटवीन रेंडर्स, यानी लेट्स से अगर आपकी मल्टीपल रेंडरिंग हो रही है। रेंडरिंग क्या होती है, कोई भी कंपोनेंट्स को लोड कराना इज अ रेंडरिंग। तो आप अगर मल्टीपल कंपोनेंट्स लोड करवाते जा रहे हो तो मल्टीपल रेंडरिंग होगी, तो उसके दरम्यान में आप कोई भी वैल्यू को परसिस्ट करवा सकते हो। अच्छा, यानी वो वैल्यू म्यूटेबल हो सकती है, यानी अगर कहीं पर आप रोकना चाह रहे हो तो उसके बाद वो री रेंडरिंग नहीं होगी जब अपडेट होगी, क्योंकि हमेशा मैंने शुरू में ये बात बताई थी कि जब भी चेंज आता है तो रेंडर होता है। मिसाल के तौर पर यहाँ से दोबारा समझाता हूँ, इसके इंडेक्स में ये देखें, ये रेंडरिंग हो रही है, रेंडरिंग ऐप। तो मैंने बताया कि ये वर्चुअल डॉम के ऊपर काम करता है, पूरे वेब पेज में किसी भी एलिमेंट में कोई चेंज होगा तो एक दफ़ा वो उसको ऑटो रेंडर कर देगा, रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती। ये बात समझ आ गई। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि किसी भी मुकाम पे अगर कोई वैल्यू अचीव हो जाए तो उसके बाद रेंडर ना हो, तो फिर हमें यूज रेफरेंस यूज करना पड़ेगा। उसकी एग्जांपल देखें, इफ वी ट्राई टू काउंट हाउ मेनी टाइम्स अवर एप्लीकेशन रेंडर्स यूजिंग द यूज स्टेट हुक, वी वुड बी कॉट इन एन इनफिनिट लूप सिंस द हुक इटसेल्फ कॉजेस अ री रेंडर। याद रखें कि जब भी यूज स्टेट में वैल्यू चेंज होगी तो रेंडरिंग होगी, ठीक है, जब भी चेंजेस होगी। तो इस चीज को रोकने का क्या तरीका कार है, ये ना हो कि इनफिनिट लूप चलना शुरू हो जाए। तो इस चीज को रोकने के लिए क्या तरीका कार है कि आप यूज यूज रेफरेंस यूज करते हो। तो इसको यूज करने के लिए सबसे पहले जो आपको इसमें लाइब्रेरी चाहिए वो कौन सी चाहिए, जी यूज रेफरेंस। तो ले जी, यूज रेफरेंस हम यूज कर लेंगे। अब यहां पे यूज रेफरेंस को थोड़ा हमें समझना है। यहां पे देखें, हमने एक यूज स्टेट यूज किया जिसमें एक वेरिएबल हमने ले ली, वेरिएबल का क्या नाम है, इनपुट वैल्यू। अच्छा, वो जो उसकी इनपुट वैल्यू है उसको हम चेंज कर रहे हैं सेट इनपुट वैल्यू की मदद से। यानी मिसाल के तौर पे हम एक कोई भी इनपुट वैल्यू ले लेते हैं और उसमें हम क्या देते हैं कि जी जो भी चेंज होना तो उसमें एक वैल्यू आ जाए जब भी चेंज हो। यानी हम कोई इनपुट बना लेते हैं ना, ये देखिए ये इनपुट बन गई, जब भी चेंज हो, ये पहला चेंज, ये दूसरा चेंज, ये तीसरा चेंज। तो नीचे बताता जा रहा है कि आपकी असल में कितनी चेंजेस आ चुकी हैं, तीन चेंज आ चुके हैं। मैंने आपको दोबारा बात बताई, एलिमेंट्स में, वेब पेज के एलिमेंट्स में जहां पे भी चेंज आएगा रेंडरिंग होगी। अगर चेंज नहीं आएगा, मिसाल के तौर पर मैं इसको 9 लिख देता हूँ, लेकिन उसने क्या किया, एक दफा उसने रिप्लेस किया, हमारी नज़र में ये चेंज नहीं है लेकिन इनपुट एलिमेंट की नज़र में क्या है, चेंज है, तो वो उसको क्या कर देगा, रेंडर कर देगा। ये बात समझ आ रही है। अब हम क्या लगाना चाहते हैं, हम कहते हैं कि जी इसको किसी जगह पे ब्लॉक करें। अब मैं इसको लेट से मैं लिखता ही जा रहा हूँ, मैं लिखता ही जा रहा हूँ, कहीं पर ये ब्लॉक नहीं हो रहा है ना, नहीं ना हो रहा। तो ये उसकी छोटी सी एग्जांपल है कि ये ब्लॉक नहीं हो रहा, ये दिस इज द प्रॉब्लम। अब इसका सोल्यूशन क्या है, देखिए मैं इसमें कुछ भी लिख रहा हूँ, कुछ भी लिख रहा हूँ, ये क्या करें, डिपेंडेंसी अगर हम लगाते हैं तो वो तो किसके थ्रू होगा, यूज इफेक्ट के थ्रू होगा। और यूज इफेक्ट में हम ठीक है डिपेंडेंसी लगा देते हैं कि अगर काउंट की वैल्यू जो है ना इतनी हो जाए तो फिर उसके बाद क्या करें कि ये नंबर ना दिखाए। तो एक्चुअली नंबर नहीं दिखा रहा लेकिन चेंज को वो जरूर एक्सेप्ट कर रहा है, रेंडर कर रहा है, यानी रेंडर लेवल पे जो डिपेंडेंसी है वो इफेक्ट नहीं डालेगी, हमने रेंडरिंग लेवल पे इफेक्ट डालना है। तो तब इसका मतलब है जो आपकी डिपेंडेंसी है वो काम नहीं करेगी,
यूज इफेक्ट की डिपेंडेंसी काम नहीं करेगी, किस किस केस में, अगर हम क्या करना चाह रहे, रेंडरिंग को ब्लॉक करना चाह रहे। ये बात समझ आ गई? अभी अभी प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसका सोल्यूशन देखने के लिए इसकी एग्जांपल हम करते हैं छोटी सी। ये वाली एग्जांपल, अच्छा इसमें अब क्या होगा, इसमें ये होगा कि आप अपनी चेंज को ब्लॉक कर सकते हो, मतलब फोकस कर सकते हो। ये मुख्तलिफ किस्म की एग्जांपल है। मिसाल के तौर पे इन्होंने एक एग्जांपल यूज़ की कि आप इसका, अच्छा यहाँ पे भी हम जरा देख लेते हैं, यहाँ पर यूज़ रेफरेंस यूज़ हुआ हुआ, ठीक है, यानी यूज़ रेफरेंस ज़ीरो, उसके बाद उसको काउंट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे यूज़ रेफरेंस की कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं है। हम क्या करेंगे कि हम अपनी स्टेट को ब्लॉक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा और रेंडर नहीं होगा, रेंडर नहीं होगा। इसका मतलब है रेंडर को आपने क्या किया, एक जगह पर ब्लॉक कर दिया। हालांकि ये क्लिक हुआ है ना, ये क्लिक हुआ कि नहीं हुआ, तो क्लिक ऑन क्लिक ये भी एक चेंज है। तो इस चेंज को आपने क्या किया, रेंडर होने से बचा लिया। अब रेंडर होने से कैसे बचाया, सबसे पहले इसको इसका तरीकाकार देखें। हमने क्या किया कि एक फंक्शन बना लिया फोकस इनपुट के नाम से, ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया कि जो हमारा यूज रेफरेंस था, ठीक है, डॉट करंट डॉट फोकस। अब फोकस क्या चीज होती है, फोकस ये होती है कि आप कोई ना कोई रेफरेंस देकर उसको उसकी जगह पर ब्लॉक कर रहे, ये फोकस होता है। इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं अभी, एक तो ये वाली है, एक और मैं खुद से भी करवाऊंगा। मिसाल के तौर पे ये देखें, अगर हमारे पास यहाँ पर कितनी फील्ड है, एक ही इनपुट फील्ड है, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो इस इनपुट फील्ड में क्या हो रहा है, कर्सर आ गया, यानी कर्सर आने का मतलब क्या होता है कि ये फोकस हो गया। ये बात समझ आ रही है? अब लेट्स से अगर हमारे पास दो फील्ड होती, कितनी फील्ड होती, दो फील्ड होती, तो हमें अब रेफरेंस चाहिए, क्या चाहिए, दोनों के लिए अलग अलग रेफरेंसेस चाहिए। किस फील्ड में, किस फील्ड को हमने रेफर करना है, किस फील्ड को हमने फोकस करवाना है, यानी अपनी अपनी जो रेंडरिंग है उसको रोकना है, उस फील्ड पे रेफर करवाना है, उस पर कोई काम कराना है, उसके बाद उसको राउट चेंज करवाना, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर प्रीवियस वाली एग्जाम्पल को देखते हैं, हम कुछ भी लिखते थे तो यहाँ पर काउंट आता था। अभी क्या हो रहा है कि मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, हमने पहला इफेक्ट पैदा किया बट उससे वो रेंडर नहीं होगा, सिर्फ फोकस होगा, यानी हमने रेंडरिंग को ब्लॉक करके हमें एक नया काम करवाया। वो नया काम किसकी मदद से हुआ, फोकस की मदद से हुआ। इसकी एग्जांपल छोटी सी मैं आपको करवा देता हूँ। सबसे पहले हमने एक लाइब्रेरी यूज़ कर ली यूज़ रेफरेंस की, मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ, होम के अंदर मैं जाता हूँ और मैं यहाँ पर एक यूज़ रेफरेंस यूज़ कर लेता हूँ। ये मैंने यूज़ रेफरेंस यूज़ कर ली। अच्छा यहाँ पे मैं एक इनपुट बना लेता हूँ, मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं इनपुट बना लेता हूँ, क्योंकि मैं इनपुट को सिंपल कॉल कर लेता हूँ, क्योंकि ये एक्सएमएल है, वो एचटीएमएल को कॉल कर रहा है। यहाँ पे मैंने एक इनपुट बना लिया और एक बटन बटन बना लिया मैंने। अच्छा मैं यहाँ पे दो इनपुट बना रहा हूँ, हालांकि एग्जांपल में एक इनपुट है, मैं यहाँ पर कितने इनपुट बना रहा हूँ, दो इनपुट। एक को मैं इनपुट एलिमेंट वन रेफरेंस दे रहा हूँ, एक को इनपुट एलिमेंट जीरो दे रहा हूँ। चले अच्छा ये वो पॉइंट है जहाँ पर आप रेंडरिंग को रोक रहे हैं, यानी आपने रेफरेंस दे दिया कि पहले ये वाला काम हो। अब इसमें कोई भी काम हो सकता है, आप ब्लॉक भी कर सकते हो, आप अपनी रेंडरिंग को ब्लॉक भी कर सकते हो। तो अभी हम इसकी एग्जाम्पल करते हैं। तो हमने कितने रेफरेंस बना लिए, दो रेफरेंस बना ली। अब उन रेफरेंस के हमने फंक्शंस बनाने होंगे। जो पहला फंक्शन है इनपुट एलिमेंट,
ये एक रेफरेंस है, मिसाल के तौर पर हम एक पहला रेफरेंस बना लेते हैं, ये देखिए यहाँ पर हमारे पास इनपुट एलिमेंट 0 और इनपुट एलिमेंट 1, हमारे कितने रेफरेंसेस बन गए, दो रेफरेंसेस बन गए, यानी यूज रेफ का इस्तेमाल हो गया और हमने वहाँ पर दोनों रेफरेंसेस बना दिए। अब हम क्या करेंगे, बटन के क्लिक पर हम फोकस इनपुट का एक फंक्शन बनाएंगे, फोकस इनपुट का फंक्शन लेट्स यहाँ पर बना बाय ये यूज़ कर लेते हैं। इसके बाद में फोकस इनपुट का फंक्शन कॉल कर रहा हूँ और मैं ये साथ ये कह रहा हूँ कि इनपुट का जो रेफरेंस है उसका इसका इस्तेमाल करें 1 के लिए, और इसको मैं रन कर देता हूँ। ये देखें अब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वो दूसरे वाले फंक्शन पे उसने क्या कर दिया, फोकस कर दिया। क्यों, वेरी सिंपल, इस पे क्यों नहीं किया बताएं, यानी किसी भी फंक्शन के क्लिक के ऊपर मैंने रेंडरिंग को रोक कर अपना कोई काम कर दिया, और वो कैसे किया, वो भी टोटली कस्टमाइज किया। यहाँ पर ये देखिए कस्टमाइज ऐसे किया कि मैंने दो रेफरेंसेस बना लिया, आप एक पेज में मल्टीपल रेफरेंसेस बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। अच्छा अब उसके बाद हमने क्या किया कि एक फंक्शन बना लिया, हम इन फंक्शन से हम दो बटन की मदद से भी कर सकते थे, लाइक हम फोकस इनपुट 1, फोकस इनपुट 0 और फोकस इनपुट 1 के दो बना लेते हैं। ये 0 का बन गया, ये 1 का बन गया, और हमने कह दिया कि फोकस इनपुट पे क्लिक हो जीरो पे क्लिक हो तो ये वाला फोकस हो जाए, और 1 पे क्लिक हो तो 1 वाला फोकस हो जाए। अब हमारे पास दो फंक्शंस हैं और दो ही बटन है, और उनके बटन की डिफरेंशिएशन भी मुख्तलिफ है, और उनके फंक्शन के नाम हम चेंज कर लेते हैं। पहले फंक्शन का नाम है फोकस इनपुट 0 और दूसरे फंक्शन का नाम है फोकस इनपुट 1। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब देखिए मैं इसको चेक करवाता हूँ, 0 पे क्लिक किया तो ये वाला फोकस हो गया, 1 पे क्लिक किया तो ये वाला फोकस हो। अब इसमें पूरे केस में क्या हुआ, देखिए रेंडरिंग नहीं हुई, पेज रीलोड नहीं हुआ, बल्कि बीच में हमने एक रेफरेंस को यूज करते हुए हमने कोई इंटरमीडिएट काम कर दिया। वो इंटरमीडिएट काम क्या था कि हमने उसको फोकस कर दिया। आप इसमें कोई भी काम कर सकते हैं, आप इसमें कोई वैल्यू प्रिंट भी करवा सकते हो, जरूरी नहीं है कि फोकस करवा लें, आपने रेफरेंस देना है और उस रेफरेंस के अगेंस्ट आप कोई भी काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम एक यहाँ पर एक डिव बनाते हैं और उसको कोई रेफरेंस दे देते हैं, ये मैंने डिव बना लिया। और इसको हम एक रेफरेंस दे देते हैं, ठीक है, रेफरेंस का कोई भी मैं नाम रख लेता हूँ, माय इनपुट। अब ये हालांकि चेंज है, ठीक है, माय इनपुट में कोई भी वैल्यू आ सकती है, ये चेंज है। तो मैं ये कहता हूँ कि जी दूसरे वाले बटन पे क्लिक होने पर ना, जब इनपुट 1 क्लिक हो तो माई इनपुट में एक यूज स्टेट मैं बना लेता हूँ ऊपर, ये मैंने यूज स्टेट बना लिया, तो यूजर के अंदर मैं बल्कि चले इसको ये कर लेता हूँ, माई इनपुट में यहाँ पे एक वैल्यू स्टोर कर देता हूँ, बनाना पड़ेगा मैं इसे, ठीक है। न्यू रेफरेंस बन गया और हमने कहा कि हमने चेंज किया बट हमने रेंडरिंग से बचा लिया उसको, ठीक है। ठीक है, हम इस पर क्लिक करें तो हमें एक वेरिएबल आ रही है, वो हम देख लेते हैं, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। ओके ठीक है, हमने इसको चूंकि कांस्टेंट लिया हुआ तो हम इसको कोई वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। यूज स्टेट हमेशा कॉन्स्टेंट होता है और उसमें वैल्यू चेंज थ्रू फंक्शन ही होती है, हम उसको फंक्शन के थ्रू भी चेंज करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये यूज ये हमारा फंक्शन है ना, हम इसके थ्रू वैल्यू चेंज करवा सकते हैं।
आप लोग लाइट ऑफ करवा देते हैं, मेरा कीबोर्ड नजर नहीं आता मुझे। रेफरेंस में तो नहीं होगा लेकिन सॉरी कॉम्प्लीट यहाँ पे करना। हाँ ये अच्छा बाय डिफॉल्ट इसका नया फंक्शन हो रहा है। जी ये हो गया, ये देखिए ये न्यू नेम सेट हो गए। ठीक है तो एक्चुअली ये रेंडरिंग नहीं हुई बल्कि न्यू नेम सेट हो गया। ठीक है हमने इसको फोकस कर दिया किसी खास पॉइंट पे, लेकिन हमने ये रेफरेंस के थ्रू किया सारा। तो ये देखिए यहाँ पर ये समझ लें कि मैंने ये इसकी समरी मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैं अभी बेसिकली मैं क्या करना चाह रहा था और मैंने क्या किया, इसकी समरी सुन लें। देखिए बेसिकली हमने अभी समझा अभी बल्कि हमने तमाम हुक्स का यहाँ पर एक डेमोन्स्ट्रेशन किया है जिसमें यूज स्टेट है, यूज कॉन्टेक्स्ट है, यूज यूजर क्रिएट कॉन्टेक्स्ट है और यूज रेफरेंस है। तो यूज रेफरेंस में हम क्या करते हैं कि हम किसी भी एलिमेंट के अंदर कोई भी रेफरेंस डाल सकते हैं। जैसे बिलफर्स हमने डिव के अंदर एक रेफरेंस डाल दिया, एक हमने दो हमने इनपुट के अंदर रेफरेंसेस डाल दिए। अब हम क्या करते हैं कि हम किसी भी फंक्शन के ऊपर यानी किसी भी इवेंट के ऊपर, जैसे क्लिक का इवेंट है उसके ऊपर किसी भी फंक्शन को कॉल करते हुए हम कोई रेफरेंस में कोई भी काम करवा सकते हैं, यानी रेफरेंस की मदद से कोई भी काम करवा सकते हैं। और वो होगा कहाँ पर, जहाँ पे वो रेफर किया गया होगा। मिसाल के तौर पर मैंने ये डिव बनाया और डिव के अंदर मैंने रेफरेंस एक दे दिया जिसका नाम मैंने क्या रख दिया कि जी माई इनपुट। तो ये माई इनपुट को मैंने ऊपर डिफाइन कर दिया कि ये मेरा एक रेफरेंस है। तो इस रेफरेंस के अंदर क्या होगा कि क्लिक करने के ऊपर यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी, यूजर की वैल्यू। तो यूजर की जो भी वैल्यू होगी जो मैं किसके थ्रू सेट करवा रहा हूँ, सेट फंक्शन के थ्रू सेट करवा रहा हूँ, यानी यूज स्टेट के अंदर जो फंक्शन उसके थ्रू जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पर लोड हो जाएगी। ये देखें ये लोड हो गई। अब क्लिक करने पर कोई भी रेंडरिंग नहीं हो रही। ठीक है ये देखिए ये चेंज हो गई। अब क्लिक करने पर कोई रेंडरिंग नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, क्योंकि वो फोकस हुआ हुआ है। समझ आ गई बात की। तो यूज रेफरेंस क्लियर हुआ। यूज रेफरेंस में तीन स्टेप्स ध्यान में रखें। नंबर वन स्टेप ये कि जिस चीज के ऊपर आपने फोकस करवाना है उसको कोई रेफरेंस दे दें। आप मल्टीपल जगहों पे फोकस करवाना चाह रहे हैं, मल्टीपल जगहों पे काम करवाना चाह रहे हैं, तो उतने ही रेफरेंसेज आपको चाहिए होंगे। एक रेफरेंस, दो रेफरेंस, तीन रेफरेंस। अब ये तीन रेफरेंसेज हो गए। इन तीनों रेफरेंसेज को आप क्या करोगे, डिफाइन करोगे। वो यहाँ पर डिफाइन हो गए। अब ऊपर यहाँ पर डिफाइन हो गए। ठीक है ये पहला रेफरेंस, दूसरा रेफरेंस, तीसरा रेफरेंस, ये तीनों रेफरेंसेस डिफाइन हो गए। अब क्या करोगे, क्लिक के फंक्शन के ऊपर उन रेफरेंसेस के अगेंस्ट कोई ना कोई आप फंक्शन इंप्लीमेंट करवाओगे। तो मैंने तीनों फंक्शन के अगेंस्ट कोई ना कोई काम करवा लिया। तो ये यूज रेफरेंस वाला कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ तक मैंने आपको हुक्स करवाए हैं और ये चार हुक्स ज्यादा यूज होते हैं। इसके अलावा भी यूज रिड्यूसर है, कॉल बैक है, मेमो है, कस्टम हुक्स है। ये बहुत ज्यादा यूज नहीं होते, बहुत ही माइनर यूज होते हैं। जी अभी एक सिंपल सी एग्जांपल आपने देखी कि जहां पर काउंटर बन रहा, मतलब तो जितनी दफा मॉडिफिकेशन करते थे उतनी दफा काउंटर चलता था। आप काउंटर को रोक सकते हो। आप कहो कि पांच लेटर के ऊपर जब हम कोई पांच लेटर का लिख रहे हैं तो उसके बाद काउंटर ना चले, तो यूज रेफरेंस के ऊपर आप ये काम कर सकते हो।
बाज़ुकात रेंडरिंग किए बगैर प्रोसेसिंग करवाने करवाने के बाद रेंडरिंग करवाते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो रेंडरिंग से पहले करवा के फिर रेंडर करवाने होते हैं, तो उसके लिए ये यूज होते हैं। अच्छा क्वेश्चन है आपका। कुछ एग्जाम्पल के तौर पे आप फॉर एग्जाम्पल कोई कैलकुलेटर बना रहे हो, अब कैलकुलेटर के अंदर आपने कोई ऐसा प्रोसेस यूज कर लिया कि आपने कोई थर्ड पार्टी एपीआई से कोई पेज लोड करवाना है, तो आप चाहते हो वो पेज पूरा प्रोसेस कंप्यूट हो जाए उसके बाद लोड हो, तो आप वहां पर रेंडर को स्टॉप करवा सकते हो फोकस करवा के, और उसके बाद जब वो प्रॉपर आप उसकी वैलिडेट कर लो उसके बाद रेंडर करवा दो, तो ये भी उसकी एग्जाम्पल है। अच्छा कुछ यूज रेफरेंस के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओनली रिटर्न्स वन आइटम, इट रिटर्न्स एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड करंट। अब जैसे भी इसमें यहाँ पर ये देखें कि हमने करंट का यूज किया, तो हमेशा याद रखें कि जो भी आप रेफरेंस बनाओगे ना, तो उस रेफरेंस के साथ डॉट करंट लगा के आप उसके साथ डॉट वैल्यू के साथ मैनिपुलेट कर सकते हो, डॉट इनर एचटीएमएल के साथ मैनिपुलेट कर सकते हो, डॉट फोकस के साथ कर सकते हो, ये आगे आपकी चॉइस होती है। तो ये पूरा ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग को भी आप इसके अंदर समझ सकते हो यूज रेफरेंस के अंदर। मिसाल के तौर पर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग क्या होती है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग में आप किसी भी एलिमेंट के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स निकाल सकते हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपकी छोटी सी मिसाल बताऊं, इसी एग्जाम्पल से, ये वाली इसी एग्जाम्पल से बनाओ, तो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक एलिमेंट है सॉरी। लेकिन जब हम इसकी DOM निकालते हैं, पूरी मॉडलिंग निकालते हैं, तो फिर एक ऑब्जेक्ट निकलता है इसमें। ऑब्जेक्ट क्या निकलेगा? नंबर वन इसका सबसे पहले निकलेगा रेफरेंस, रेफरेंस के बाद करंट, करंट के अंदर वैल्यू या फोकस या कोई आईडी का नाम या कोई क्लास का नाम। तो ये पूरी डॉट डॉट लगा के हम क्या कर सकते हैं, पूरे ऑब्जेक्ट को रीड कर सकते हैं। जैसे हमने एचटीएमएल के अंदर फिजिकल डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग को पढ़ा, तो इसी तरह यहाँ पे भी ऐसे ही है। तो आप करंट की मदद से, यानी जो भी आपने फोकस किया होगा उसके करंट ऑब्जेक्ट को पिक करके कोई भी काम मैनिपुलेट कर सकते हो, उसका कलर चेंज कर सकते हो, उसका बॉर्डर कलर चेंज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो ये करंट की एग्जाम्पल है। अच्छा मैंने आपके साथ ना एक शेयर किया है, कल शेयर किया था मैंने जी कैलकुलेटर। अच्छा जिन बच्चों ने अभी तक रिएक्ट के ऊपर काम नहीं किया, ये क्लोजिंग एक प्रोजेक्ट है, रिएक्ट का क्लोजिंग प्रोजेक्ट, राइट। आपने करना क्या है कि एक बिल्कुल फ्रेश रिएक्ट इंस्टॉल करनी है, क्रिएट रिएक्ट ऐप, ठीक है। उसके बाद आपने, मैंने ये आपको स्टेप्स बता दिए, इसको फॉलो करते हुए आपने, इसके अंदर CSS भी है, इसके अंदर यू स्टेट भी है, बुक्स भी इसके अंदर मौजूद है, और बिल्कुल स्क्रैच से तमाम इवेंट्स इसमें मौजूद है, ठीक है। आप एक चलता हुआ कैलकुलेटर बनाओगे और उसका उसको फंक्शनल, यानी कोड मैंने आपसे शेयर कर दिया, लेकिन ये कोड वन गो में तो नहीं होगा ना, आपने उसके छोटे छोटे कंपोनेंट्स बनाने हैं, छोटी छोटी लॉजिक बनानी है, उसके बाद आपने इसके इनपुट्स बनाने हैं, डिस्प्लेस बनाने हैं, आप इसमें अरे का यूज करोगे, मैप का यूज करोगे, यानी एक मुकम्मल आप कैलकुलेटर बनाओगे और उसकी स्टाइलिंग करोगे, यानी इवन की CSS भी इसके अंदर यूज होगा। तो वो कैलकुलेटर चलता हुआ मुझे जिप करके आपने भेजा, तो ये रिएक्ट का एक क्लोजिंग प्रोजेक्ट कह लें। क्लियर? मैं आपको एक असाइनमेंट भी इसकी लिख देता हूँ। असाइनमेंट नंबर 9 है या 8? 8 है या 9? 9 9। इसकी ड्यू डेट है परसों। दो बजे तक, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तो आप लोग रिएक्ट कैलकुलेटर के इस इन स्टेप्स को फॉलो करते जाएं और बनाते जाएं, आपका बनता जाएगा, ठीक है। ये पूरा मैंने प्रोसीजर आपको दे दिया। अच्छा इसके अलावा आपने क्या करना है, एक प्रैक्टिस के लिए आप एक काम करोगे,
ये टर्म प्रोजेक्ट नहीं है, ये 1 वीक के बाद मुझे दिखा देना आप लोग, ठीक है? ये जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए। जी ये वाला जो है ना, ये ट्यूटोरियल मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, इसका टाइम 1 वीक है। अच्छा, ये मेरे मटेरियल है इसको, चले मैं, ठीक है, मटेरियल नहीं था, ये असाइनमेंट थी। इसका टाइम 1 वीक तक है, यानी मंडे तक, ठीक है? लिंक मैंने शेयर कर दिया है, यहाँ से आप इस ट्यूटोरियल को पढ़ें और टू डू लिस्ट इस तरह का बनाना आप, यहाँ से कॉपी भी कर सकते हो और अंडरस्टैंड करके खुद भी बना सकते हो। मकसद ये है कि आगे चल के इसको हम थोड़ा सा डेटाबेस के साथ मैप करेंगे और कुछ बिजनेस लॉजिक भी लगाएंगे इसके अंदर। तो अगर आप रिएक्ट का बेसिक फंक्शनैलिटी आप बना लोगे इसके थ्रू, तो हम इसको आगे लेके चलेंगे अपने फाइनल प्रोजेक्ट की तरफ, तो इस तरह आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्ट एंड 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 रिवीजन। आप लोग मजीद थोड़ा सा इसको पढ़ें, इसके अदर हुक्स को भी देखें, इनमें से कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हो नेक्स्ट क्लास के अंदर। अच्छा, मजीद आप लोगों ने क्या करना है कि एक क्विज तैयार करना है। ये क्विज बेसिकली क्या है, W3 स्कूल्स के ऊपर आपने देना है, ठीक है? और दो चीज़ें आपने करनी है, क्विज और एक्सरसाइज, ठीक है? ये एक्सरसाइज और क्विज तमाम बच्चे करके लाएंगे, जिसमें आप लोगों ने क्या करना है कि मुझे स्क्रीनशॉट भेजनी है। इस तरह स्टार्ट करोगे क्विज, और जो हमने यहाँ पर पढ़ा है तकरीबन तकरीबन सारी चीज़ें इसके अंदर कवर हो रही है। तो जब आप इसको फिल करोगे, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओगे, ये बच्चे घर में बैठ के किसी भी टाइम कर लेना, तो आखिर में आपके मार्क्स आएंगे। वो मार्क्स आपने स्क्रीनशॉट में शेयर कर देनी है, मतलब अपने पास सेव करनी है। यहाँ पे मैं आपके वो मार्क्स चेक कर लूँगा, ठीक है? एक ये आपने काम करना है, और दूसरा यहाँ पे एक एक्सरसाइज दी गई है, लिस्ट ऑफ बेसिक एक्सरसाइज और रिलेटेड टू द रिएक्ट स्किल्स। तो ये आपकी स्किल इन्हेंस करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसमें आप देखें, हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, हमने ES6 के अरे फंक्शन पढ़े हैं, वेरिएबल्स पढ़े हैं, ई स्ट्रक्चरिंग पढ़ी है, अरे के मेथड पढ़े हैं, और GSX पढ़ा है हमने, कंपोनेंट्स पढ़े हैं, इवेंट्स पढ़े हैं, प्रॉप्स पढ़े हैं हमने, कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमने पढ़ी हैं, यूज इफेक्ट के हुक पढ़े हैं, यूज स्टेट पढ़ी है, स्टाइलिंग पढ़ी है, लिस्ट। तो तकरीबन तमाम के ऊपर क्या है आपको यहाँ पर मिल रही है क्या, एक्सरसाइज। तो आप इनको क्लिक करो और अपनी स्किल्स में इन्हेंस करें, ठीक है? तो ये दो काम मैं आपको दे रहा हूँ फॉर योर स्किल इन्हेंसमेंट। तो इसका भी आप लोगों ने मुझे शो करवानी है स्क्रीनशॉट कि आप लोगों ने ये दोनों काम टिल मंडे, मतलब पूरा हफ्ता इसके लिए दिया मैंने आपको, टिल मंडे ये दोनों काम आपने कर देने, ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाए और आपकी जो कमी बेशी है वो भी दूर हो जाए। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। कोई भी क्यूरी हो तो आप ग्रुप में भी पोस्ट कर सकते हैं, और ग्रुप में मैं आपको रिस्पॉन्स कर देता होता हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, अगले लेक्चर में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो हम यहाँ पर करके देखेंगे कि MongoDB क्या होती है, उसकी कौन कौन सी क्यूरीज होती हैं, और उसके कौन कौन से वर्जन हैं, उसको हम लोकली कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, क्लाउड पे जो उसका वर्जन होता है वो कैसे रन होता है, लोकल उसका जो वर्जन होता है वो कैसे रन होता है MongoDB में। और दूसरा रिएक्ट, रिएक्ट के अंदर हम किस तरह से चीज़ों को एक्सप्रेस एक्सप्रेस में हम किस तरह चीज़ों को सर्वर साइड के ऊपर हैंडल करते हैं। अभी हमने सारा कुछ फ्रंट एंड पे किया, लेकिन हम जो एक्सप्रेस JS है उसके अंदर हम सर्वर साइड पे अपने राउट्स को भी देखेंगे, उसमें हम अपनी APIs को भी देखेंगे, API क्या होती है इसको हम देखेंगे। तो अगले आने वाले लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, उनको आपने मिस नहीं करना। थैंक यू सो मच, टेक केयर।